भारत वर्ष का वर्णन। मुनियों ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली जो उत्तम भूमि एवं श्रेष्ठ तीर्थ हो उसे बतलाइए। लोमहर्षण जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में महर्षियों ने मेरे गुरु व्यास जी से भी यही प्रश्न पूछा था, मैं वही प्रसंग कहता हूँ। कुरुक्षेत्र की बात है, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ व्यास जी, जो सब शास्त्रों के विद्वान, महाभारत के रचयिता, अध्यात्मनिष्ठ, सर्वज्ञ, सब भूतों के हित में संलग्न, पुराण और आगमों के वक्ता तथा वेद वेदांगों के पारंगत पंडित हैं, अपने परम पवित्र आश्रम में बैठे हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। उसी समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले अनेक महर्षि उनके दर्शन के लिए आए। कश्यप, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, जैमिनी, धौम्य, मार्कंडेय, वाल्मीकि, विश्वामित्र, शतानंद, वात्स्य, गार्ग, आसुर, सुमंत, भार्गव, कण्व, मेधातिथ, मांडव, चेवन, धूम्र, असित, देवल, मौद्गल्य, त्रिणयज्ञ, पिपलाद, अकृतवर्ण, संवर्त, कौशिक, रैभ्य, मैत्रेय, हरित, शांडिल्य, विभांड, दुर्वासा, लोमेश, नारद, पर्वत, वैशंपायन, दालो, भास्कर, पूरण, सूत, पुलत्स्य, कपिल, पुलह, देवस्थान, सन्नत कुमार, पैल, कृष्ण तथा कृष्णानुभौतिक, ये तथा और भी बहुत से मुनिवर सत्यवती नंदन व्यास को घेर कर बैठ गए। उनके बीच में व्यास जी नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। कुछ बातचीत के बाद उन्होंने व्यास जी से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। मुनि बोले, मुने, आप वेद शास्त्र, पुराण, तंत्र शास्त्र, महाभारत, भूत, वर्तमान, भविष्य तथा संपूर्ण वाडम्बय का ज्ञान रखते हैं। यह संसार एक समुद्र के समान है, इसमें दुख ही दुख भरा है, यह कष्टमय एवं निहसार है। इस भयानक भवसागर में राग रूपी ग्रह रहते हैं, यह विष रूपी जल से भरा रहता है, इंद्रियां इसमें भंवर हैं, यह शुधा, पिपासा आदि सैकड़ों उर्मियों से व्याप्त है, इसे मोह रूपी कीचड़ ने मलिन बना रखा है। लोभ की गहराई के कारण इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। हम देखते हैं कि संपूर्ण जगत इसमें डूबकर कोई सहारा न पा सकने के कारण अचेत बहा जा रहा है। अतः आपसे पूछते हैं, इस भयंकर संसार में कौन सा साधन कल्याणकारी है? इस बात का उपदेश देकर आप संपूर्ण लोगों का उद्धार कीजिए। इस पृथ्वी पर जो परम दुर्लभ मोक्षदायक क्षेत्र या कर्म भूमि है उसे बतलाइए, हम उसका श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा, पूर्व काल में महर्षियों का ब्रह्मा जी के साथ जो संवाद हुआ था उसे आप सब लोग सुने। नाना रत्नों से विभूषित मेरुगिरे के विशाल शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, नाग, मुनि तथा सिद्ध उनकी सेवा में उपस्थित थे। उस समय भृगु आदि महर्षियों ने पितामह को प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, इस पृथ्वी पर कर्म भूमि कौन है तथा दुर्लभ मोक्ष क्षेत्र कौन है, यह बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरो, सुनो, इस पृथ्वी पर भारत वर्ष को कर्म भूमि बतलाया गया है। वह परम प्राचीन वेदों से संबंध रखने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला उत्तम क्षेत्र है। वही किए हुए कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग और नरक प्राप्त होते हैं। भारत वर्ष में पाप या पुण्य करके मनुष्य निश्चय ही उसके अशुभ अथवा शुभ फल का भागी होता है। वहां ब्राह्मण आदि वर्ण भली भांति संयम पूर्वक रहते हुए अपने कर्मों का अनुष्ठान करके उत्तम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भारत वर्ष में संयमशील पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त करता है। इंद्र आदि देवताओं ने भारत वर्ष में शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके देवत्व प्राप्त किया है।
इनके सिवा अन्य जितेंद्रिय पुरुषों ने भी भारतवर्ष में शांत वीतराग एवं मार्ग से रहित जीवन बिताते हुए मोक्ष प्राप्त किया है। देवता सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं हम लोग कब स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले भारतवर्ष में जन्म लेकर निरंतर उसका दर्शन करेंगे। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं, मध्य भाग में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों का निवास है। वे क्रमशः यज्ञ युद्ध और व्यापार आदि विशुद्ध कर्मों के द्वारा अपने को पवित्र करते हैं। उनका जीवन निर्वाह भी इन्हीं कर्मों से होता है। यहाँ किया हुआ पुण्य सकाम होने पर स्वर्ग आदि का तथा निष्काम होने पर मोक्ष का साधक होता है। इसी प्रकार पाप भी अपना फल प्रदान करता है। महेंद्र मलय शुक्तिमान ऋक्ष पर्वत विंध्य और पारयात्र ये ही सात यहाँ कुल पर्वत हैं। उनके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं। वे सभी विस्तृत ऊंचे और रमणीय हैं। उनके शिखर भांति भांति और सुंदर हैं। कोलाहल वैभ्राज मंदर दुर्दुराचल वातंध वैद्युत मैनाक सुरस तुंगप्रस्थ नागगिरि गोधन पांडुराचल पुष्पगिरि वैजयंत रैवत अर्बुद ऋषयमुख गोमंत कृतशैल कृताचल श्री पर्वत चकोर तथा अन्य अनेक पर्वत ऐसे हैं जिनसे मिले हुए म्लेक्ष आदि जनपद पृथक पृथक बसे हुए हैं। वहां के लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। जानो गंगा सरस्वती सिंधु चंद्रभागा यमुना शतद्रु विपाशा वितस्ता इरावती कुहू धूतपापा बाहुदा दृष्टद्विती देविका चक्षु निष्ठीवा गंडकी तथा कौशिकी ये हिमालय की घाटी से निकली हुई नदियां हैं। देवस्मृत देववती वातग्नि सिंधु वेड़िया चंदना सदानीरा मही चरमन्नवती वृषि विदिशा वेदवती शिप्रा तथा अवंती ये पारयात्र पर्वत का अनुसरण करने वाली नदियां हैं। शोड़ा महानदी नर्मदा सुरथा क्रिया मंदाकिनी दर्शाणा चित्रकूटा चित्रोत्पला वेत्रवती कर्मोदा पिशाचिका अधुलग श्रोणी विपापमा शैवला सधेरुजा शक्तिमती शकुनी त्रिदिवा क्रमु तथा वेगवाहिनी ये नदियां ऋक्ष पर्वत की ही संताने हैं। चित्रा पयोषणी निर्विंध्या तापी वेड़ा वैतरणी सिनीवाली कुमदोती तोया महागौरी दुर्गा तथा अंतशिशला ये पुण्य सरिला सरिताएं विंध्याचल घाटियों से निकली हैं। गोदावरी भीमरथी कृष्णवेड़ा तुंगभद्रा सुप्रयोगा तथा पाप नाशिनी ये श्रेष्ठ नदियां सहयगिरी की शाखा से प्रकट हुई है। कृतमाला ताम्रपर्णी पुष्पवती उत्पलावती ये शीतल जल वाली पवित्र नदियां मलयाचल से निकली हैं। पितृकुल्या सोमकुल्या ऋषकुल्या वंजुला त्रिदिवा लांगलिनी तथा वंशकरा इनका प्राकट्य महेंद्र पर्वत से हुआ है। सुविकाला कुमारी मनुगा मंदगामिनी श्रेया और पलाशिनी ये शुक्तमान पर्वत से निकली हैं। समुद्र में मिलने वाली सभी नदियां पुण्य सलिला सरस्वती तथा गंगा के समान हैं। सभी इस विश्व की जननी यो पाप हारिणी मानी गई हैं। इनके अतिरिक्त भी सहस्त्रों छोटी छोटी नदियां बताई गई हैं, जिनमें से कुछ तो केवल वर्षा काल में बहती हैं और कुछ सदा ही जल से पूर्ण रहती हैं। मत्स्य मुकुटकुल्य कुंतल काशी कोसल अंध्रक कलिंग शमक तथा वृक ये प्रायः मध्य प्रदेश के जनपद बताए गए हैं। सहय पर्वत के उत्तर का प्रदेश जहां गोदावरी नदी बहती है संपूर्ण भूमंडल में सर्वाधिक मनोरम है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्मों का पालन करने से जो फल होता है कुआं बावली आदि खुदवाने
बगीचे लगाने, यज्ञ करने तथा अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सब केवल भारतवर्ष में ही सुलभ है। ब्राह्मणों, भारतवर्ष के समस्त गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार मैंने भारतवर्ष का वर्णन किया। यह सबसे उत्तम, सब पापों का नाश करने वाला, पवित्र, धन्य तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है। जो सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखकर इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है।